तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम बिहार में बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। बीपीएससी का मतलब होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। और हाँ, ये एग्जाम बिहार सरकार में नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका देता है। ध्यान रहे दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम काफी कम्पिटिटिव होता है। इसमें आपकी नॉलेज, एप्टीट्यूड और स्किल्स सब कुछ परखा जाता है। इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बिहार के इतिहास जैसे विषयों पर आपका मूल्यांकन होगा। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको पूरी लगन और योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी होगी। बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना अपने आप में गर्व की बात होती है। इससे बिहार सरकार में कई प्रशासनिक पदों पर नौकरी के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, बीपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना भारत के संविधान के द्वारा की गई है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करता है। बीपीएससी का मुख्य काम होता है बिहार में विभिन्न सिविल सेवा पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। बीपीएससी यह सुनिश्चित करता है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हो। सबसे योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए यह एक कठोर मूल्यांकन प्रणाली का पालन करता है। बीपीएससी ही एग्जाम पैटर्न बनाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करता है और आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करता है। योग्य उम्मीदवारों का चयन करके बीपीएससी राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा एक ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन और सीएसएटी। यह चरण क्वालिफाइंग होता है। मुख्य परीक्षा एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें कई पेपर होते हैं, जिनमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और 2 वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं। इंटरव्यू अंतिम चरण होता है जिसमें व्यक्तित्व, कम्युनिकेशन स्किल्स और वांछित पदों के लिए उपयुक्तता का आकलन किया जाता है। यह विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। उम्मीदवारों को अपने ज्ञान, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन करना होता है। हर चरण उम्मीदवार की क्षमताओं के अलग अलग पहलुओं का परीक्षण करता है। चयन के लिए सभी 3 चरणों में सफलता महत्वपूर्ण है। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आपकी तैयारी में मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ कुछ आवश्यक सुझाव दिए गए हैं। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझें। प्रत्येक चरण के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से खुद को अच्छी तरह से परिचित करें। स्टडी प्लान बनाएं। एक ऐसा रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाएं जो आपके स्केड्यूल और सीखने के तरीके के अनुकूल हो। स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल्स देखें, उन रेकमेंडेड पुस्तकों, स्टडी गाइड्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का चयन करें जो सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें। परीक्षा पैटर्न को समझने और अपने समय प्रबंधन कौशल में सुधार करने के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट्स में शामिल हों, परीक्षा की परिस्थितियों का अनुकरण करने और अपनी तैयारी के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए मॉक टेस्ट सीरीज में शामिल हों। सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए मॉक टेस्ट्स में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। बीपीएससी की तैयारी को प्रभावी बनाने के लिए सही स्टडी मटेरियल्स चुनना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ हाईली रेकमेंडेड पुस्तकें और संसाधन दिए गए हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में एक मजबूत नींव प्रदान करती है। बिहार की विशेष पुस्तकें बिहार के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से केंद्रित पुस्तकों का संदर्भ लें। जनरल स्टडीज मैनुअल्स, ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव जनरल स्टडीज मैनुअल्स चुनें जो बीपीएससी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सभी रेलेवेंट टॉपिक्स को कवर करती हों। समाचार पत्र और करंट अफेयर्स, मैगजीन द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचार पत्र पढ़कर और योजना और कुरुक्षेत्र जैसी पत्रिकाओं की सदस्यता लेकर करंट अफेयर्स से अपडेट रहें। एक बीपीएससी अधिकारी बनने की यात्रा चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन फायदेमंद भी है। इसके लिए अटूट समर्पण, दृढ़ता और बिहार के लोगों की सेवा करने की तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। बीपीएससी परीक्षा में सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और रणनीतिक योजना से भी मिलती है। खुद पर विश्वास रखें, प्रेरित रहें और आगे बढ़ते रहें। चुनौतियों का सामना करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। बीपीएससी अधिकारी बनने की आपकी आकांक्षा
लोक सेवा और समाज की बेहतरी के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सफलता का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, लेकिन पुरस्कार प्रयास के लायक होते हैं। केंद्रित रहें, दृढ़ रहें और अपने सपनों से कभी न हारें।